A very good morning to everyone. This is Chahat Pasrija, your reasoning teacher. I hope you all are written fine and safe at home, and most importantly, studying for the exam so that you can crack the same. Today, we will start and discuss about our new topic, which is direction. First of all, think what examiner wants to know something from the topic like direction. He actually wants to check your sense of direction. जनरली आप कहीं भी जा रहे होते हैं तो हम जी ऑन कर लेते हैं आजकल राइट पहले जमाने में क्या होता था लोगों से पूछा जाता था कि इस जगह का पहुंचने का क्या रास्ता है राइट right? सो so, आजकल के ज़माने से ही लेके चलते हैं जब हम जीपीएस ऑन करते हैं तो देर इज़ अ जीपीएस गर्ल जो आपको बताती है दैट यू हैव टू टेक राइट और यू हैव टू टेक लेफ्ट कितने डिस्टेंस में आपको राइट और लेफ़्ट लेना है सो so, डायरेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है कैसे जुड़ा हुआ है आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग टॉपिक And moreover, this is very easy, right? Very easy topic it is. And you just have to make a sketch of data provided by the examiner on your sheet so that you can clarify your specific information and give the answer. Okay, so next we will read about directions there are four main direction and four cardinal directions these main directions are north south east west and cardinal are northeast northwest southeast and southwest so these all directions are very important and you will represent these direction in this way north and south like this way and east and west like this way सो okay, so आपको ये सिर्फ देखना ही नहीं है इस प्लेन को याद भी रखना है दिस इज़ डायरेक्शन प्लेन एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रैक्टिस करते हुए और कहीं पर क्लैरिटी ना हो वहाँ पर आपको ये डायरेक्शन प्लेन ज़रूर बनाना है सो so दैट आपका पास 100% परसेंट श्योरिटी हो कि आपका जो आंसर है वो क्या है एकदम परफेक्ट है मैं पहले भी बोल चुकी हूँ मैं फिर से बोल रही हूँ यस स्पीड इज़ एट मोस्ट इंपॉर्टेंट बट एक्यूरेसी को साथ साथ रखते हुए स्पीड रखनी है स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही इंपॉर्टेंट है स्पीड रख लोगे एक्यूरेसी नहीं होएगी, वहीं पर सब खेल खत्म यू हैव टू स्कोर बेस्ट ओके चलिए सो फर्स्ट पॉइंट क्या है यू नीड टू रिमेंबर इज दैट ईच मेन डायरेक्शन अंडर गोज अ नाइंटी डिग्री चेंज देखिए जब आप नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाते हैं नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ये जो मैंने अभी बनाया है ये जो रेड लाइन से मैंने मार्क किया है ये कितना डिग्री को शो करता है ये 90 डिग्री को शो करता है ठीक है एंड okay? दिस दिस इज शोइंग 45 डिग्री ओके जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है रोटेट्स टू हिट्स 45 डिग्री राइट right. डन इतना समझ में आया आपको 45 डिग्री आपके पास क्या आएगा जैसे ईस्ट से आप साउथ ईस्ट जा रहे हैं तो वो 45 डिग्री को शो कर रहा है नॉर्थ से ईस्ट जा रहे हैं तो वो 90 डिग्री को शो कर रहा है सिमिलरली नॉर्थ से वेस्ट जाएंगे तो भी वो 90 डिग्री को ही शो करेगा चलिए नेक्स्ट वेन अ क्वेश्चन सेज मूव टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि आपको राइट और लेफ्ट साइड मूव करना है तो वो क्या एज्यूम करना है कि आपको वो क्या कह रहा है वो 90 डिग्री पर मूव करने को कह रहा है एग्जामिनर बहुत बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी बोल सकता है दैट अ पर्सन इज वॉकिंग इन टू नॉट डायरेक्शन एंड देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ नाइन्टी डिग्री सो वो ऑटोमेटिकली यही कह रहा है कि आप अपने वेस्ट की तरफ टर्न करो ओके okay? समझ में आया अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सी आपको ये अपने माइंड में रखना है हर वक्त दैट इज क्लोक वाइज एंड एंटी क्लोक वाइज येस बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है क्लोक वाइज एंड एंटी क्लोक वाइज में देखिए यहाँ पर जब आप अपने लेफ्ट साइड टर्न करते हो तो अब आप अपने एंटी क्लोक वाइज टर्न करते हो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर स्टैंडिंग हेयर एंड मैं आपको ये कहती हूँ कि यू हैव टू मूव टूवर्ड्स योर लेफ्ट दैट मीन्स आप अपने 90 डिग्री एंटी क्लोकवाइज टर्न कर रहे हो दिस इज 90 डिग्री एंड एंटी क्लोकवाइज दिस इज एंटी क्लोकवाइज जो क्लोक के अपोजिट तरफ अगर आप चलोगे तब तो आप क्या करोगे एंटी क्लोकवाइज चलोगे फॉर एग्जाम्पल अगर अभी 12 बजे हुए हैं 12 से आप 11 पर जाओगे तो वो क्या होगा एंटी क्लोकवाइज ओके okay, सो so अगर आप नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाते हैं इफ़ यू आर टर्निंग टूवर्ड्स राइट तब आप क्या चल रहे हैं क्लोक चल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ट्वेल्थ से वन की तरफ जाएंगे तो आप क्लोक चलेंगे नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड इन द लेफ्ट राइट मूवमेंट बिकॉज यू शुड ऑलवेज बी अटेंटिव भी टेकिंग राइट और लेफ्ट टर्न सो हे इज योर फर्स्ट पॉइंट योर फर्स्ट पॉइंट से इज अ पर्सन फेसिंग नॉर्थ ऑन टेकिंग लेफ्ट विल फेस टूवर्ड्स वेस्ट वेरी इजी अगर एक पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है दिस इज़ नॉर्थ लाइक दिस इज़ नॉर्थ एंड ही इज़ फेसिंग टुवॉर्ड्स नॉर्थ अगर उसे लेफ्ट टर्न लेने को कहा जाता है तो वो फेस किसे करेगा वो वेस्ट साइड फेस करेगा दिस इज़ वेस्ट सी दिस इज योर पैनल नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट ठीक है अगर वो उसे लेफ्ट लेने को कहेंगे तो वो वेस्ट साइड करेगा अगर उसे राइट right टर्न लेने को कहेंगे तो वो ईस्ट साइड फेस करेगा This is very easy. And easy correlation may all sare points like if a person is facing west, if a person is facing east and south. What will happen when they will take right and left turn just give it a look so that it will be more clear to you. Okay. So next we will move towards some more important points. This point is very important. You have to keep or mark. स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट डिफरेंटली सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दैम एंड अदर पॉइंट देखो आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको कहा जाएगा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या है या फिर आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है या फिर आपका एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग से किस डायरेक्शन में है दैट मीन्स यूर ओनली फोकस इज ऑन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ओके सो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग से मार्क करोगे या फिर जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पे एरो डाल लो एंड एंडिंग पॉइंट पे एक सर्कल लगा लो सो so, आपको क्या होगा क्लियरिटी होएगी कि आपका स्टार्टिंग कौन सा है एंडिंग कौन सा है कंफ्यूजन नहीं रहेगी सिंपल एज दैट क्योंकि आपको जल्दी जल्दी करना है कंफ्यूज नहीं होना है चलिए नेक्स्ट आपको ये जो डायरेक्शन पैनल है इसे बनाना है डायरेक्शन प्लेन्स को बनाना है ताकि आपके पास मोर क्लैरिटी आए और आपके पास श्योरिटी आए हंड्रेड परसेंट श्योरिटी नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट मीन्स आपको अवेयर होना है इस जियोमेट्रिक रूल के लिए दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम आई नो बहुत ईजी है इंटरेस्टिंग है और स्कोरिंग भी थी हमारे एग्जाम्स में स्कूल टाइम में नाउ सी पाइथागोरस थ्योरम आपको कब यूज आएगी आपके पास इमेजनरी ट्रायंगल बन सकती है या फिर पर्टिकुलरली एक ट्रेंगल बन सकती है जब आप एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट में डिस्टेंस निकाल रहे होंगे ओके आई गिव यू वन एग्जांपल। जब आप डिस्टेंस निकाल रहे होंगे तो ट्रायंगल बन सकती है राइट right एंगल तो आपके पास इस फार्मूला का यूज़ होगा एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ईजी फार्मूला याद है ही हमें बस हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है वाइजली चलिए सो वी विल टेक अ फर्स्ट एग्जाम्पल इस फर्स्ट एग्जाम्पल में हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं उस नेम इज़ रोहित वो नॉर्थ की तरफ 15 माइल्स चलता है फिर वो एक लेफ्ट टर्न लेता है एंड देन 10 माइल्स चलता है उस लेफ़्ट टर्न से वो राइट right टर्न लेता है एंड देन टेन माइल्स चलता है फिर वो राइट टर्न लेके 30 थर्टी माइल्स चलता है आंसर में जब आप देखेंगे जो आपको आंसर दिख रहा है स्क्रीन पे जब आप इसमें देखेंगे तो एक चीज़ को नोटिस कीजिए कि जो टेन माइल्स का डिस्टेंस है और जो फिफ्टीन माइल्स का डिस्टेंस है वो डिफरेंस है उनमें उनमें क्या है उनमें डिफरेंस है फिफ्टीन माइल्स की जो लाइन है वो बड़ी है एंड टेन माइल्स की लाइन छोटी है ऐसे ही 30 माइल्स की लाइन जो है वो बड़ी है एंड 15 माइल्स की लाइन छोटी है ये इसीलिए रखा गया है बिकॉज ये एक्चुअल में होता है 15 माइल्स कम होते हैं इट्स अ कॉमन सेंस बट यस बनाते बनाते डायग्राम बनाते बनाते कभी कभी हम इस चीज़ को निकलेक्ट करते हैं डोंट एवर निकलेक्ट दिस ठीक है अब जैसे यहाँ पर हमने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिस इज़ आर स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज आर एंडिंग पॉइंट को डिफरेंट रखा है बाकी पॉइंट से यही चीज़ आपको अपने एग्जाम में इम्प्लीमेंट करनी है चलिए सो so, सबसे पहले हमारा जो पर्सन था वो कहाँ गया नॉर्थ की तरफ गया 15 माइल्स देन नॉर्थ से जब हम लेफ़्ट टर्न लेंगे तो वो किस साइड फेस करेगा Yes। अभी हमने पढ़ा वो वेस्ट की तरफ फ़ेस करेगा फिर वो वेस्ट की तरफ 10 माइल्स चला एंड देन वेस्ट से उसने राइट right टर्न लिया तो जब वेस्ट से राइट right टर्न लेते हैं तब तो वो अपनी नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन में चलता है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चलता है दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन नाउ नॉर्थ डायरेक्शन से उसे क्या लेना है राइट right टर्न अभी हमने डिस्कस किया वो ईस्ट की तरफ चलेगा एंड दिस विल बी योर एंडिंग पॉइंट बोल देते हैं कि वो जो पर्सन है रोहित वो चाय की शॉप पे जा रहा है तो दिस इज टी स्टोल ओके नाउ क्वेश्चन देखो आपसे एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछा गया है दिस वॉज द इंफॉर्मेशन फॉर द स्पेसिफिक क्वेश्चन चलिए तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग 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 पॉइंट से आपको इस एंडिंग पॉइंट का क्या बताना है डायरेक्शन बतानी है अब यहां पर मोर क्लियरिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं यहां पर एक छोटा सा पैनल बना सकते हैं ओके okay, जब आप छोटा सा पैनल बनाएंगे तो देखेंगे कि इन जो मेन फोर पैनल्स हैं जो फोर डायरेक्शंस हैं उनसे कोई भी रिलेशन में नहीं निकल रही है डायरेक्शन तो आपको कार्डिनल डायरेक्शंस को यूज करना पड़ेगा विच विल बी नॉर्थ ईस्ट विच विल बी नॉर्थ ईस्ट एंड योर आंसर इज नॉर्थ ईस्ट ओके आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज वेरी इजी जस्ट यू हैव टू मेक अ स्केच ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पेनल्स ओके नेक्स्ट दिस इज़ नेक्स्ट एग्जाम्पल जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट आई हैव गिवन यू द आंसर यू कैन चेक इट फ्रॉम हेयर अब आपको इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है एक बार सॉल्व कीजिए दे आर जस्ट टेन सेकेंड्स फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में भी नहीं लेना टेन सेकेंड्स तो बहुत हो गए डायरेक्शन के सम को करने के लिए चलिए स्टार्ट कीजिए ओके okay. ओके okay, चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि जो एक पर्सन है जिसका नाम नहीं दे रखा हमें इमेजनरी पर्सन है वो साउथ की तरफ 25 किलोमीटर चलता है दिस इज़ आर स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है साउथ की तरफ चलता है साउथ से वो एक लेफ्ट टर्न लेता है तो लेफ़्ट टर्न जब हम लेंगे साउथ से तो वो इस तरफ आएगा 30 ओके दिस इज़ 25 दिस इज़ 30 नाउ उसे फिर एक राइट right टर्न लेना है एंड फिफ्टीन किलोमीटर चलना है यहाँ पर उसका ऑफिस है दिस इज़ आर एंडिंग पॉइंट ओके सो दिस इज़ आर स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज़ आर एंडिंग पॉइंट यही चीज़ आपको बनानी है कितने सेकंड्स लगे अभी तो मैं आपको समझा रही हूं बट अगर मैं देख के बनाऊंगी तो हार्डली वन और टू सेकंड लगेगा चलिए सो दिस इज़ योर एग्जैक्ट डायग्राम जो आपने अभी सीखा है यहां पर ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पहले थर्टी एंड फिफ्टीन डन अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए बहुत ध्यान से हाउ फार हिज ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस उसका जो ऑफिस है वो उसके हाउस से कितना दूर है एंड डायरेक्शन कौन सी है चलिए अब उससे दूरी पूछी गई है उनसे ये नहीं पूछा गया एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू थिंग्स एक जब आपसे एग्ज़ामिनर पूछता है कि जो आपका एंडिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है ठीक है दिस मीन्स ये जो मैंने अभी रेड लाइन को क्रिएट किया है आपको इसका डिस्टेंस निकालना है दूसरी चीज़ एग्जामिनर आपसे पूछता है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तक आने के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो जो ये ब्लू लाइन है इनके जो नंबर है उनको आप प्लस कर दोगे लाइक ट्वेंटी फाइव थर्टी एंड फिफ्टीन आप इसे प्लस कर दोगे जो आपका आंसर आएगा वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा बट अब आपसे पूछा गया है कि कितनी दूर है ओके हाउ फार तो ये जो रेड लाइन है इसको आपने निकालना है अब देखिए जो ऊपर वाला ये वाला डायग्राम है और ये वाला डायग्राम है अभी मैंने एक रेड लाइन लगाई है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में अब इन दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है इन ब्लैक लाइंस का ठीक है जैसे अभी हमने सीखा हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज इमेजनरी ट्राइंगल बना के भी कर सकते हैं तो यहां पर आप कुछ ऐसे लाइन लगा देंगे लाइक दिस दिस विल बी योर इमेजनरी ट्राइंगल सो दैट यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एग्जाम्पल वी कैन से ए बी एंड दिस पॉइंट इज सी डन तो हमें इसका डिस्टेंस निकालना है तो यहां पर क्या करेंगे हम देखिए यहां पर 15 हो गया तो 25 फाइव प्लस फिफ्टीन टोटल आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 40 ठीक है तो यहाँ पर आपके पास ये जो लाइन है इस लाइन के इक्वल ये वाला डिस्टेंस है द सी बी इज़ इक्वल टू एम एन एन सो आपके पास 30 आ जाएगा अब इनका आप स्क्वेयर करोगे लाइक 1600 हंड्रेड प्लस नाइन इसका स्क्वेयर रूट करोगे तो दिस तो विल बी योर आंसर विल बी फिफ्टी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड आपका स्क्वेयर रूट आ जाएगा एंड फिफ्टी आपका आंसर आ जाएगा साथ साथ आपको यह देखना है कि किस डायरेक्शन में है तो यहां पर एक छोटा सा पैनल बना लीजिए यहाँ आएगा ईस्ट यहाँ आएगा साउथ एंड कॉर्डिनल कार्डिनल डायरेक्शन किससे हम इसको क्या कर देंगे साउथ ईस्ट क्या कर देंगे साउथ ईस्ट सो दिस विल बी योर आंसर दैट इज साउथ ईस्ट ठीक है फिफ्टी किलोमीटर एंड साउथ ईस्ट चलिए सो so आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं कल हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर एंड हम इसी का सेकेंड पार्ट करेंगे विच विल बी शेडो शेडो डायरेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है और कंफ्यूज भी करती है कुछ बच्चों को क्योंकि एग्जामिनर चाहता है आपको कंफ्यूज करना कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं होता इजी सा टॉपिक है जैसे डायरेक्शन है वैसे ही शेडो होता है कुछ गोल्डन रूल्स हैं उन्हें याद कर लीजिए इट और कुछ भी नहीं है और याद भी क्या करना है जब हम प्रैक्टिस करेंगे हम ऑटोमेटिकली उन्हें समझेंगे हम यहीं पर प्रैक्टिस करेंगे और ऑटोमेटिकली उन पॉइंट्स को मेमोराइज करेंगे ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे टाटा बाय बाय टेक केयर